जोहानसबर्ग टेस्ट टीम में टीम इंडिया ने जोरदार वापसी कर ली है। लंच तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन है। तेम्बा बाउमा क्रीज पर हैं। अफ्रीकी टीम का दूसरा विकेट 88 के स्कोर पर गिरा था, लेकिन इसके बाद टीम की पारी लड़खड़ाई और 102 रनों तक 4 विकेट गंवा दिए। दूसरे दिन के 3 विकेट शार्दुल ठाकुर के खाते में आए। दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया की जोरदार वापसी कराई। पहले उन्होंने अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद नजरें जमा चुके कीगन पीटरसन को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। शार्दुल ठाकुर ने पीटरसन को शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे स्टंप पर फुलर गेंद फेंकी। ये गेंद बाहर की ओर निकली। पीटरसन ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और दूसरी स्लिप में मयंक अग्रवाल ने शानदार कैच लगाया। अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने रैसी वन डे डूसन को 1 रन पर आउट किया। इसी के साथ अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। अफ्रीका ने एल्गर, पीटरसन और डूसन के विकेट सिर्फ 14 रनों के अंदर गंवाए।